जमशेदपुर में पोटका थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मांस की तस्करी मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपी भगलू मांझी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत धारा 12, 429 और 34 के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी सर सूचना दिए मुझे, मैं आया, मैं इसको जानने के लिए, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि गो का है किसका है, तो इसलिए इसको जानने के लिए हम लोग फॉरेंसिक लैब होटवार रांची भेज रहे हैं। करीबी लोग बताए कि 40-50 किलो। कुख्यात दस्यु सरगना बीरबल चौधरी उर्फ फुलेना चौधरी को मोतिहारी पुलिस की स्पेशल टीम ने सुगौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। एसपी नवीन्द्र चंद्र झा ने बताया कि उस पर बेतिया, बगहा और रामनगर समेत गोपालगंज में दर्जनों लूट की, अपहरण, रंगदारी और हत्या के मामले दर्ज हैं। उसके पास से एक देसी लोडेड कट्टा भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में उसके सहयोगी परीक्षण यादव, रुदल खलीफा जैसे कुख्यात अपराधी पहले ही पुलिस की मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, जिसके बाद से बीरबल छिप कर रहता था और अकेले ही अपराध की घटना को अंजाम देता था। इस दौरान उसके छिपे होने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली, जहां छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल 80 के दशक में मिनी चंबल के नाम से मशहूर पश्चिम चंपारण जिले के सरेह में इसने एक साथ सात लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। थाना क्षेत्र के सुगांव से गिरफ्तार किया गया है। ये एक कुख्यात दस्यु सरगना रहा है, जिसके ऊपर सरकार के स्तर से पुरस्कार भी घोषित है और ये 80 और 90 के दशक का कुख्यात दस्यु सरगना है। इसके साथ पुलिस का मुठभेड़ भी हुआ था और जिसमें रुद्र खलीफा, परीक्षण यादव, रामनारायण यादव, पारस यादव, सुरेश कोण और अन्य अपराधकर्मी मारे गए थे। उसमें ये फरार था, इसको अरेस्ट किया गया।